खुशी का है मौका, लेकिन पूजा का दिल है रूठा रूठा। आज है पूजा और नरेन की शादी की दूसरी सालगिरह, तभी तो देखिए आज पूरा घर है बाहर निकला। अरे भाई, आज व्यास परिवार जा रहा है पिकनिक पर, ताकि आउटडोर मनाई जा सके एनिवर्सरी की पार्टी। जब बेसिकली नरेन और पूजा की एनिवर्सरी है और नरेन ने काफी सारे सरप्राइजेस प्लान किए पूजा के लिए, और एक्चुअली वो चाहता तो था कि वो पूजा को अकेले ले जाए, बट पूजा के इंसिस्टेंस की वजह से पूरी फैमिली साथ में पिकनिक के लिए निकली है। एंड वी ऑन अवे टू मधुपुर, और यहाँ रास्ते में एक मंदिर है जहाँ पे माँ चाहती थी कि आए और नरेन पूजा साथ में आशीर्वाद दें, तो हाँ यहाँ आए हैं इस मंदिर। वो कहते हैं ना कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, तो लीजिए परिवार पहुँचा है माता के दर पर, जहाँ सारे दुखों का नाश करेगा ये मंदिर। तो दो साल की सालगिरह तो चल रही है अभी, पूरे पेरेंट्स मतलब मम्मा पापा ने पुश किया है, इसीलिए सब लोग आए हैं आज बाहर यहाँ, और मंदिर में थोड़ी पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा मन में खुश नहीं है, और नरेन उसे ट्राई कर रहा है मनाने की, और उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये उसका दिल है जो कसूरवार है। पर ये क्या, पूजा तो है नरेन से नाराज, आखिर क्या है नाराजगी का राज? ओहो, भूल गए, ये पूरा जाल फैलाया है बेला ने। ना चाहते हुए भी नरेन ने बेला से मेल रखा, जिसकी वजह से पूजा का दिमाग खिसका। वो अपना बदला पूरा करने के लिए ही वापस नरेन पूजा की लाइफ में आए, और उन्हें सिर्फ नरेन के उनके प्रवीण जी के दिल से मतलब है, जो वो नरेन के सीने से निकालना चाहती हैं, और अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसके लिए वो नए नए आइडियाज लेकर आ रही हैं। एक्चुअली सरप्राइज ज्यादा ही मनाने की कोशिश है, क्योंकि एक गलती हो गई है, एक्चुअली सीरीज ऑफ गलतियाँ हो गई है नरेन से, बट अनफॉर्चुनेटली वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो भी गलतियाँ उसके जानबूझकर नहीं हुई है, वो उसके काबू के